संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम आम की पूड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये नमक लिया है, शुगर थोड़ा सा, सूजी, एक आम और आटा। चलिए पहले आम का रस निकाल लेते हैं। हम इसे एक मिक्सी जार में निकाल लेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। इस तरीके से पूरा निकाल देंगे। ये रस निकाल लिया है पूरा, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये हमारा आम का रस पीस करके तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल देंगे। एक बर्तन लेंगे, ये देखिए रस हमने निकाल लिया है एक कटोरी में। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन लेंगे और उसमें ये अपना आटा डालेंगे। एक कटोरी से थोड़ा सा कम आटा है और 2 चम्मच सूजी, सूजी ज़्यादा नहीं यूज कर रहे हैं, और थोड़ा सा शुगर 1 चम्मच, 1/4 चम्मच नमक। अब इनको सबको मिला लेंगे। थोड़ा सा इसमें ऐसे गड्ढा करेंगे और तेल मिलाएंगे। तेल ऑप्शनल है, आप चाहे तो मिला सकती हैं, अगर नहीं मिलाना है तो मत मिलाइए। इसको इस तरीके से बराबर से मिक्स कर देंगे। इसको दोनों हाथ से ऐसे कर देंगे ताकि बिल्कुल गुठलियाँ ना रहे इसमें। ये देखिए पूरा तेल इसमें मिल गया है, गुठलियाँ बिल्कुल नहीं है। अब इसमें हम आम का रस मिलाएंगे अपना, जो हमने पीस करके तैयार करा था। इसे थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे इसमें और ऐड करेंगे ये, और अच्छे से इसको गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, नहीं तो गीला ना हो जाए कहीं। ये हमारा आटा लग करके तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा तेल मिला देंगे, इस तरीके से हाथ में लगाएंगे ताकि हाथ में चिपके नहीं, और इसे थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसमें सूजी डाली है, सूजी को फूलने में टाइम लगता है, ढक करके रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोल करके देखेंगे। ये देखिए फूल गया है, बढ़िया हो गया है। अब हमारी ये हो गया है पूरी बनाने लायक। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे। ये आप लोइयां अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकती हैं, इस तरीके से। सारी लोइयां बना करके तैयार कर ली है, अब चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई रख दी है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में, जब तक तेल गर्म होता है, जब तक अपन पूड़ियाँ तैयार करेंगे। धोई लेंगे और इस तरीके से इसको दबा देंगे और बर्तन में लगा लेंगे। चाहे तो तेल लगा सकते हैं आप, मैं बर्तन लगा रही हूँ। और पेलेंगे इसको हल्के हाथ से। ये हमारी पूड़ियाँ बेल करके तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को बेल लेंगे एक एक करके। ये सारी पूड़ियों को बेल करके तैयार कर लिया है, अब चलिए इसको तलना शुरू करते हैं। अब देख डाल करके देखेंगे हमारा तेल हो गया है कि नहीं। ये तेल हमारा हो गया है गरम, अब हम इसे तलेंगे। एक एक पूड़ी डालेंगे इसमें। ये देखिए तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है। ये पूड़ियाँ बहुत ही खस्ता बनती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में। इसको निकाल लेंगे और इसको एकदम किनारे में लगा लेंगे ताकि इसका पूरा तेल निथर जाए अच्छे से। ये देखिए ये हमारी आम की पूड़ियाँ बनकर तैयार हैं।